उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में संभल की विधानसभा गुन्नौर से बीजेपी ने मौजूदा विधायक पर एक बार फिर विश्वास जताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक को ही मैदान में उतार रही है। दोनों नेताओं की क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार गुन्नौर विधानसभा से किसकी सीट निकलेगी। जनता की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है जनता ने और क्या कुछ है जनता की राय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चर्चा करेंगे विधानसभा गुन्नौर में, जहां पर या फूल खिलेगा या चलेगी साइकिल। मेरे साथ कई लोग यहां पर भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग हैं। सवाल, किसकी सरकार बनेगी? हम कहते हैं साहब साइकिल की बनेगी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। क्यों, ऐसा क्या काम किया अखिलेश यादव ने? अखिलेश की सरकार, हमें काम उनके अच्छे लगे पिछले साल के। अभी जो बीजेपी की सरकार अच्छी है? बिल्कुल पसंद ना है। मौजूदा विधायक यहाँ पर जो बीजेपी के हैं सबसे खराब है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार योगी जी की बनेगी। ऐसा क्या काम किया योगी जी ने? कोई बुरा क्या किया एक गायों के अलावा? गाय बुरा काम क्या है? छोड़ नहीं, अगर उनकी व्यवस्था कर दें वो तो आज सब सुखी है। नहीं, अभी व्यवस्था तो नहीं हुई है ना? हुई है, कुछ जगह हुई है। सब लोग कह रहे हैं किसान परेशान है, रात को अलाव जला करके जंगल में रह रहे हैं। नहीं, छोड़ी किसने? योगी जी ने या मुलायम सिंह जी ने? मुलायम सिंह ने छोड़ी है। नहीं, किसने छोड़ी है? किसानों ने छोड़ी है ना? किसानों ने छोड़ी है। मेरे घर में, उनके घर में, सबके घर में, किसानों के घर में थी गाय। तो इस सरकार योगी जी की बनेगी? हाँ जी, पक्का। हाँ, एक बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की। अखिलेश को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है ताऊ जो अखिलेश को वोट देंगे आप? अखिलेश को साहब, अखिलेश ने बढ़िया काम करे, मोदी ने खराब काम करे। गंजन से परेशान है, देखो डंडा लेके बाहर खेत में दे आ रहे हैं और खेत में तो खा रही है, बताओ क्या करें? गाय खेत खा रही है। हाँ, खेत। इस वजह से समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हाँ जी। आप किसको वोट देंगे? हम तो साहब साइकिल को ही देंगे वोट, फरो तो ना फरो तो देंगे ही ना। अच्छा, बीजेपी ने जितनी भी सुविधाएं चलाई हैं, एक भी आपको सुविधा का लाभ नहीं? कोई सी सुविधा कौन सी लॉन्च हुई है बताओ? राशन नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है। नहीं मिलता? नहीं मिलता, दो महीना है अगर राशन ही ना मिल लो, कोई ब्लॉक हो जाता राशन। हाँ, ब्लॉक है हमारा तो। आपको मिलता है राशन? ना, राशन मिलता है और कुछ। अच्छा, जो 2000 रुपए की किस्त आती है बीजेपी पार्टी ने निकाली है मुख्यमंत्री जी ने, वो आपको उसका लाभ मिलता है? हाँ जी, आती है जी, आती है। तो उससे तो आपको लाभ मिल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा लाभ उससे नहीं मिल रहा है। साइकिल वालों ने, अखिलेश ने ये चलाई 2000 वाली समाजवादी, अब आ गई सरकार साहब मोदी की, तो जो सरकार साइकिल वालों की चलाई हुई है, साइकिल वालों की चलाई हुई है ये 2000 रुपए की किस्त। आप किसको वोट देंगे? वोट देंगे साहब साइकिल के लिए। साइकिल के लिए? न तो किसानों को मिट्टी पे अधिकार, न किसानों को पेड़ पे अधिकार। ये तो पानी भर रहा हुआ है, जब काउ चीज पे अधिकार नहीं है किसानों को तो फायदा क्या है ये बताओ। अच्छा, इस बार अब इन्हें 2000 रुपया ले खाएंगे तो खाएंगे तो पूरा किसान को इस सरकार में कोई लाभ नहीं है? नहीं, लाभ है तो लाभ उल्टो तो ले लो ना भाई, लाभ दो और लाभ उल्टो ले लो, घुमा फिराई को उल्टो करके ले लो। कई महीनों से राशन भी तो फ्री मिल रहा है। राशन है, 6 आदमी है, एक को मिल रहा है, एक को मिलता है बस, बाकी सबको नहीं मिलता। 5 गाय कहाँ चला जाता है? कहाँ, अब काम। संभल से रविंद्र यादव की रिपोर्ट।